हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर केतन शाह अहमदाबाद गुजरात से। इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो अस्थमा, जिसको हम दमा बोलते हैं, दमा के केसेस मैं किस तरह से ट्रीट करता हूं और दमा में कौन सी मेडिसिन मैं यूज कर रहा हूं वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और लास्ट में कौन सी पोटेंसी में दवाई लेना चाहिए वो मैं बताऊंगा। लेकिन इसको मैंने अस्थमा पार्ट वन नाम दिया है क्योंकि होम्योपैथिक में इतनी सारी दवाइयां है कि मैं एक वीडियो में उसको नहीं बता सकता हूं, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि ये वीडियो के बाद अस्थमा पार्ट टू का भी एक वीडियो करूंगा ताकि लोगों को बहुत अच्छे से उसका आइडिया आए। तो हम शुरू करते हैं अस्थमा, दमा एंड उसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। अस्थमा, दमा के बारे में तो क्या रीजन है, ऐसे कौन से फैक्टर है कि जिसकी वजह से अस्थमा का अटैक हमें आने की संभावना होती है? तो एक तो पोलन एलर्जी है, या तो घर में कुछ ऐसे कीटाणु रहते हैं इंसेक्ट की वजह से रहता है, या तो केमिकल के फ्यूम्स की वजह से, और अभी विंटर चल रहा है तो विंटर में जो ड्राई कोल्ड होता है, ड्राई एयर, उसकी वजह से अस्थमा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, फंगस की वजह से, और इंडिया में बहुत कॉमन एक डिजीज है, मतलब कॉजेटिव फैक्टर है, वो डस्ट की वजह से है, स्मोकिंग है, अगर आप नहीं पी रहे हो लेकिन जो पेसिव स्मोक आपके उसमें जाता है कि आप नहीं पी रहे हो लेकिन कोई और आसपास स्मोकिंग कर रहा है उसकी वजह से, या तो कुछ लोगों को स्ट्रॉन्ग ऑडर, मतलब किसी ने परफ्यूम्स वगैरह यूज किया हो उसकी वजह से भी अटैक आने की संभावना है। पॉल्यूशन, हम सिटी में जो लोग रहते हैं उनको ज्यादा संभावना रहती है, बल्कि जो लोग गांव में रहते हैं उनको अस्थमा के अटैक कम आते हैं। कई बार हम गुस्सा जो सप्रेस करते हैं, या तो स्ट्रेस में रहते हैं, या तो हमारे आसपास में पेट्स जो रहते हैं वो पेट्स की वजह से भी एलर्जी होती है। कुछ लोगों को वैसे नहीं अस्थमा होता है लेकिन जब एक्सरसाइज वगैरह करे तब अस्थमा होता है। हमने होम्योपैथिक में बहुत अच्छे से देखा है कि जिन लोगों को स्किन डिजीज हो, खास करके एक्जिमा वगैरह, और अगर उसको सप्रेस किया हो तो भी अस्थमा होने के चांसेस रहते हैं। तो जिसको अस्थमा की टेंडेंसी है इनको ये ट्रिगरिंग फैक्टर्स है और इनकी वजह से उनको अस्थमा का अटैक आ सकता है। क्या होता है कि अगर आप कोई भी ट्रिगरिंग फैक्टर्स है उसके एक्सपोज हुए, सब ड्रग्स से एक्सपोज हुए, या तो कोई पॉल्यूशन से एक्सपोज हुए, तो वो क्या करता है, वो सीधा आपके सांस में जाके जो लंग्स के आसपास के जो मसल्स है उसको वो टाइट कर देता है। अगर मसल लूज रहे तो आराम से आप सांस ले सकते हो, लेकिन जब मसल्स टाइट हो जाते हैं तो सांस लेने में दिक्कत होती है, अंदर इंफ्लामेशन आ जाता है, सूजन आ जाती है, और जो लंग्स के अंदर है म्यूकस, जो अंदर से सिक्रेट हुआ हुआ एक लिक्विड है, कफ है, वो म्यूकस के रूप में आपके पूरे लंग्स में भर जाता है, और जब ये म्यूकस अंदर भर जाता है तो आप आराम से ब्रीदिंग नहीं कर पाते हैं। और क्या सिम्टम्स आएंगे अगर ये प्रॉब्लम हुआ, तो खांसी आएगी, और जब आप सांस लोगे तो वीजिंग साउंड आएगा, स्टेथोस्कोप से आप देखोगे तो वीजिंग साउंड आएगा, आपकी जो सांस है वो बहुत छोटी छोटी होगी और चेस्ट में टाइटनेस फील होगा। तो ये सारे सिम्टम्स थे अस्थमा के। अब हम बात कर रहे हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। मैं यहां ये बताने जा रहा हूं कि मैं किस तरह से पेशेंट को ट्रीट करता हूं। यहां आप देख सकते हो कि मैंने लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट, मतलब जब आपको अस्थमा का अटैक नहीं है तो हम आपकी पूरी हिस्ट्री लेके ऐसी दवाई ढूंढ निकालते हैं ताकि आपको आपकी इम्यूनिटी बढ़े, और जो बार बार या जो भी थोड़ा सा ट्रिगरिंग फैक्टर से आप एक्सपोज होते हो और आपको जो अटैक आते हैं वो नहीं आएंगे और आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी, तो जो भी आप इनहेलर्स ले रहे हो, एलोपैथिक दवाइयां ले रहे हो, वो ग्रेजुअली कम होगी। लेकिन उसके लिए आपको होम्योपैथिक डॉक्टर को ही कंसल्ट करना पड़ेगा, वो आपकी पूरी हिस्ट्री लेके जो दवाई निकालता है आपके स्वभाव से, आपके सिम्टम्स पर से, क्या अच्छा लगता है, क्या खाना अच्छा नहीं लगता, ये सब पूछ के जो दवाई निकालता है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल
रेमेडी बोलते हैं, उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। और क्या होता है कि कई बार पेशेंट को अटैक आता है जब उसको एक्यूट प्रॉब्लम है, जिस उस वक्त सांस वगैरह फूलती है, उस वक्त कौन सी दवाई देनी चाहिए। उस वक्त आप कुछ ऐसी दवाइयां इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि जो लेने से आपका अस्थमा का अटैक में आपको रिलीफ आएगा। तो इस तरह से मैं मेरी होम्योपैथिक प्रैक्टिस में अस्थमा के पेशेंट को ट्रीट करता हूं। पहली मेडिसिन मैं बताऊंगा आर्सेनिक आल्ब। सारे मेडिसिन के डोजेज में वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि मैं किस तरह से पेशेंट को दवाई देता हूं, खास करके एक्यूट अटैक में। तो इसमें फीलिंग आता है कि जैसे एलर्जी की वजह से कंस्ट्रिक्टेड फीलिंग आता है, और जब गर्मी में कुछ ठंडा आपने खा लिया और उसकी वजह से आपको सांस फूलने लगा, और अस्थमा का इस सिम्टम्स है कि उसको मिडनाइट में, मतलब 12 से 2 के बीच उसको अस्थमा का अटैक आएगा, और जब अस्थमा का अटैक आएगा वो सो नहीं पाएगा, उसको सफोकेशन होगा, और सफोकेशन की वजह से ये बैठ जाएगा। तो मिडनाइट एग्रावेशन और लाइंग एग्रावेशन, ये आर्सेनिक का है। और शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ की वजह से पेशेंट बैठ जाएगा, और उसको ऑडर से भी, कुछ स्मेल की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। कैसे आराम लगता है कि अस्थमा पेशेंट को अगर गर्म पानी थोड़ा थोड़ा बार बार लेता रहे, या तो गर्म खाना खाए तो उसको थोड़ा रिलीफ लगता है। आर्सेनिक का पेशेंट कैसा है, तो रेस्टलेस है, वो एक जगह बैठ नहीं पाएगा, उसको मूवमेंट्स करने की टेंडेंसी रहती है, और मन से भी रेस्टलेस होता है, फिजिकली भी रेस्टलेस होता है। मैंने देखा है कि जब अस्थमा का अटैक आया तो पेशेंट एक जगह नहीं बैठेगा, सोफा पे बैठेगा, जाके बेड पे बैठेगा, अंदर जाके सो जाएगा, इस तरह से वो अपनी मूवमेंट्स करता रहेगा। और वो एंशियस होता है, मतलब उसको डर लगता है कि मुझे कुछ हो नहीं जाएगा ना, मुझे मेरा डेथ तो नहीं हो जाएगा ना। और ये पेशेंट फास्टिडियस है, मतलब उसका नेचर है कि उसको सब कुछ साफ सुथरा चाहिए, तबीयत अच्छी हो या ना हो, उसको अगर आसपास में अगर बिखरा हुआ पड़ेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और ये पेशेंट को बर्निंग होता है, और उसका मेन सिम्टम ये है आर्सेनिक का कि उसको पानी की प्यास लगती है, वो बार बार और थोड़ा थोड़ा पानी पीता है। तो मेरी प्रैक्टिस में आर्सेनिक बहुत अच्छे से यूज करता हूं। और दूसरी दवाई है एंटम टाट। एंटम टाट में क्या होता है, घर घर आवाज आएगा। मैं बच्चों के केस में बहुत अच्छे से यूज करता हूं कि वो सोएगा और कब जमा हो जाएगा, और कब जमा हो गए तो जैसे ही सांस आएगी तो आवाज आएगी, उसके पेरेंट्स दौड़ दौड़ के हमारे पास आ जाते हैं। क्या होता है कि विंटर होता है, और विंटर में सब कुछ बंद होता है, तो आवाज क्लियरली सुनाई देती है पेरेंट्स को। दूसरा कि बच्चों के जो एयर पैसेज है वो नैरो होते हैं, बहुत डेवलप नहीं हुए होते हैं, इसलिए थोड़ा भी अंदर म्यूकस जमा होगा और बहुत आवाज आने लगेगी। और एंटम टाट में कफ क्यों जमा होता है, क्योंकि उसके लंग्स, ऐसे बोल सकते हैं कि लंग्स हमारा कफ बाहर निकालता है, लेकिन एंटम टाट में पैरालिटिक इफेक्ट होने की वजह से वो कफ को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, कफ अंदर ही भरा रहता है। और जब भी पेशेंट बीमार होता है, एंटम टाट पेशेंट, तो उसको सोने का मन होता है, नींद उसकी बढ़ जाती है, और ये बच्चों की और ओल्ड पीपल की बहुत अच्छी दवाई है। और एक बात बता दूं कि वैक्सीनेशन, अभी कोरोना के भी वैक्सीनेशन बहुत चले हैं, बच्चों में भी बहुत वैक्सीन देते हैं, तो अगर वैक्सीनेशन के बाद कोई प्रॉब्लम हुआ है, या तो गुस्से के वजह से अगर सांस का प्रॉब्लम हुआ है, तो आप एंटम टाट सोच सकते हो। ब्लाटा ओरिएंटालिस, ये मेडिसिन कॉकरोच में से बनती है, तो कुछ जो लोग बहुत अहिंसा में मानते हैं, या वो लोग कई बार ये दवाई लेने का अवॉइड करते हैं, यूज नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी सफोकेशन होता है, ऐसा कफ अंदर जमा होता है, और कफ कैसा होता है, तो पस लाइक कफ होता है। ब्लाटा का कफ जो निकलेगा ना, जैसे कोई, जैसे बॉइल्स में से कैसा पस निकलता है, उस तरह का पस लाइक का कफ निकलता है, और खांसी के साथ सांस फूलना। और ज्यादातर ये मेडिसिन मदर टिंचर में यूज होती है, और उसके 10-10 ड्रॉप्स 3 बार या इस तरह से लोग लेते हैं एक्यूट अटैक में, तो उससे उनको आराम होता है। तो मदर टिंचर में ये यूज होने वाली दवाई है, और लाइव कॉकरोच को क्रश करके ये दवाई बनाई जाती है। इपीकाक, ये मेडिसिन में भी कंस्ट्रिक्शन
फीलिंग है, चेस्ट जैसे कुछ किसी ने पकड़ के रखा हो, दबा के रखा हो, और उसमें भी आवाज आती है, कफ निकलता नहीं है, और बहुत वायलेंट कफ होता है। लेकिन इपिका आप कब प्रिस्क्राइब करोगे कि सांस के साथ, खांसी के साथ नौशिया एंड वॉमिटिंग सेंसेशन होना चाहिए। पेशेंट को ऐसा लगेगा कि उल्टी हो जाएगी या तो उबके आएंगे, नौशिया होंगे, तो ये इपिकाक का मेन सिम्टम्स है। और इपिकाक को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम पेशेंट की टंग देखते हैं, तो इपिकाक पेशेंट की टंग क्लीन होती है और पानी की प्यास नहीं लगती है। तो ये था इपिकाक, जो बहुत अच्छे से यूज होने वाली दवाई है खांसी में और अस्थमा में। पोथोस उसका दूसरा नाम है, इक्टोडेस, ये दो नाम से दवाई जानी जाती है। ये प्लांट में से बनती दवाई है और उसका मेन एक ही इंडिकेशन है कि डस्ट की वजह से पेशेंट को अस्थमा का अटैक आता है, और अस्थमा का अटैक आएगा तब पेशेंट वीक हो जाएगा और उसको स्टूल जाने की इच्छा होगी, और जैसे ही स्टूल पास होगा उसको बहुत आराम लगेगा। उसके अस्थमा के सिम्टम्स में स्टूल पास करने से आराम होता है, ये पोथोस का सिम्टम्स है। ग्रिंडेलिया, ये पेशेंट है ना, सो नहीं सकता है, जैसे ही सोएगा उसको सांस फूलने लगेगी। स्टॉप ब्रीदिंग व्हेन फॉलिंग अस्लीप, वेक विथ स्टार्ट, अगर सो गया है, नींद में आ गया, तो ऐसे उसको सांस नहीं मिल रही हो, झपक के जग जाएगा और सांस लेने में उसको तकलीफ होगी, उसको बैठ जाना पड़ेगा। और इसमें जो कफ निकलता है वो टफ होता है, मतलब चिकना है, फोमी है, और वो अगर निकाला है तो वो साफ करने में बहुत तकलीफ होती है। यहां मुझे काली बीच याद आती है, काली बाइक्रोमिकम में भी जो नाक से कफ निकलता है वो विजिड होता है, थीक होता है, स्टिकी होता है, तो ग्रिंडेलिया में भी ये है। तो यूजुअली किस तरह से पोटेंसी यूज करनी चाहिए, तो जब क्यूट अटैक है तो मैं 30 पोटेंसी में यूज करता हूं, और बहुत कम दवाई है मैं मदर टिंचर में यूज करता हूं। मैं पेशेंट को क्या बोलता हूं कि आप 100 ml जितना पानी लीजिए, उसमें 10 गोली 6 या 30 पोटेंसी की डाल दीजिए, और जो पानी तैयार हो वो हर 2 घंटे पे, हर 1 घंटे पे, जिसनी जिस तरह से सीवियरिटी हो उस तरह से वो दवाई लीजिए। तो एक ही बार पानी बनाना है और उसमें से एक एक चम्मच पानी पीते रहना है 1 घंटे पे, 2 घंटे पे। उससे आपका जो भी अस्थमा का अटैक होगा पेशेंट आराम महसूस करेगा, और बाद में तो मैंने बताया उस तरह से आपको कंस्टिट्यूशन मेडिसिन देना ही पड़ता है। और मैंने पहले ही बताया आपको कि बहुत सारी मेडिसिन है होम्योपैथिक में, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं। तो इसलिए मैं अस्थमा पार्ट 2 बहुत जल्द ही उसका वीडियो बनाऊंगा और आपके सामने रखूंगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कई लोग मुझे पूछते हैं लाइव क्लिनिक के लिए, लेकिन लाइव क्लिनिक पॉसिबल नहीं है। अगर आपको कुछ भी हो तो कोई भी वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स में है आप क्वेश्चन पूछोगे, मैं एवरीडे सबको रिप्लाई करता हूं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।